गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से आए क्लास में और आज हम आपको फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है जिसके अंदर आपने लैंग्वेज का नेचर पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं टीचिंग इंग्लिश में, प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश, यानी आपने नेचर भी जान लिया क्या चीज़ है, कैसे क्या होता है, इसकी मीनिंग दिखती है। पर जो इंग्लिश पढ़ाने में जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये है, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। सबसे पहला हमारा ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, जो ट्रेडिशनल एग्जाम का जो है सिस्टम चला आ रहा है स्टार्टिंग से, जिसके अंदर ये एजुकेशन के माध्यम में इंग्लिश हिंदी रखा गया है, हिंदी का इतना नॉलेज भी, तो ये परंपरागत तरीका है। परंपरागत तरीके के बारे में हमें इंग्लिश पढ़ाने में कक्षा के अंदर बहुत ही बाधाएं उत्पन्न होती है, बहुत ही रुकावटों का सामना करना पड़ता है, एक तरह की बहुत ही मेजर समस्या है। नेक्स्ट हमारा आउटडेटेड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी इंग्लिश के जो आउटडेटेड मेथड्स हो रहे हैं, यानी जो अभी समय के साथ में परिवर्तित होने वाले मेथड्स को ना लेते हुए जो हमारे पुराने मेथड है उसी का इस क्लास में क्या जा रहा है, इसलिए भी हमें एक समस्या आती है इंग्लिश को पढ़ाने में, क्योंकि जो आउटडेटेड हो सकते हैं नए हमें अपनाने चाहिए, नए नए जो तकनीकें हैं तकनीकों का उपयोग करते हुए यदि हम तकनीकों के साथ में यदि विद्यार्थी को पढ़ाएंगे तो मेरा मानना है कि इंग्लिश बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही आसान रहेगी, आसान रहने के साथ में विद्यार्थी को समझ में भी आएगा, वो जल्दी से सीख भी पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स, लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर, यानी एक तो हमारे ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो अध्यापकों की योग्य अध्यापकों की कमी रहती है, उसके साथ ही रिक्त पद हमेशा रहते हैं जो इंग्लिश के टीचर नहीं मिल पाते हैं, जिनके कारण भी विद्यार्थी हमेशा इस समस्या का सामना करते हैं। तो जब टीचर ही नहीं होगा तो विद्यार्थियों को पढ़ा कैसे पाएगा, कैसे उस चीज़ को समझेगा, तो जिसके कारण भी एक समस्या रहती है कि विद्यार्थी इंग्लिश नहीं सीख पाते, ये बाधा हमेशा हमेशा आती रहती है। आज हम ये देखें तो अधिकतर स्कूलों में इंग्लिश के टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते, और अगर टीचर मिल भी जाते हैं तो हमें एफिशिएंट नहीं होते, ना ही इतने कैपेबल होते हैं, तो उसके कारण भी एक ट्रेंड टीचर की हमेशा समस्या वहाँ पर रहती है। नेक्स्ट जो है हमारा लैक ऑफ सूटेबल लैंग्वेज टीचिंग एड्स, लैक ऑफ सूटेबल टीचिंग, यानी कि जो सहायक सामग्री हमें बच्चों को सिखाने के लिए जरूरत होती है, जो टॉपिक हम सिखा रहे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें सहायक सामग्री नहीं मिल पाती है, तो यदि एक सहायक सामग्री का हम देखा जाए कि सहायक सामग्री यदि ऐसी हो जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को अच्छे से समझा सकते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। यदि अगर विद्यार्थियों का इंटरेस्ट हम देखें, उनकी मेंटल एज देखें, उनका इंटरेस्ट देखें, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यदि हम टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर सटीक बैठता है, और सटीक बैठता है तो उनमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वे अच्छे से और आसानी से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे सब स्टैंडर्ड और टेस्ट बुक, सब स्टैंडर्ड और टेक्स्ट बुक, सब स्टैंडर्ड और टेक्स्ट बुक, द टेक्स्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश आर ऑफ लो स्टैंडर्ड, जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड की होती हैं, दे हैव गॉट नो रेलेवेंस टू द नीड ऑफ अवर स्टूडेंट, यानी उसके अंदर जो रेलेवेंस किया जाता है वो बच्चों की मतलब बच्चों की योग्यता के अनुसार नहीं होता, बच्चों के मेंटल एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि कुल मिला के द बुक द टेक्स्ट बुक इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटरिज्म, यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा का हमारा जो कार्यक्रम है उसके ऊपर वो बेस नहीं होते, इम्प्रूवमेंट, यानी इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा ओवर क्राउडेड क्लासेस, ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी जो क्लास का जो आकार होता है वो इतना बड़ा हो जाता है
कि जो पीछे तक भी बच्चों को आवाज़ नहीं पहुंच पाती है और ज़्यादा बच्चे होने के कारण ये समस्या हमेशा रहती है कि साधन जो होते हैं हमारे पास में वो सारे सीमित होते हैं, और सीमित साधन होने के कारण यानी कि बड़ी क्लास में साधन भी सीमित होंगे, सीमित साधन होंगे तो विद्यार्थी तक ये सारी बातें अच्छे से पहुँच भी नहीं पाएगी। तो आज जो हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं हमें टीचिंग इंग्लिश में, वो पढ़ा था जिसके अंदर आपका है प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी, प्रॉब्लम जो है हमारी को है सॉरी प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस यानी कंपटीशन लगा रहता है हिंदी इंग्लिश के अंतर्गत कि हमें हिंदी पढ़ना चाहिए हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, और एक इंग्लिश में इतना हवा बना दिया जाता है कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंट नहीं होते तो वे सीख भी नहीं पाते। इसके अलावा बहुत सारी अलग चीज़ें जैसे नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बिगनिंग स्टेज ऑफ द इंग्लिश टीचिंग यानी कि स्टार्टिंग से उनको इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग वर्सेस हिंदी सॉरी कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का जो कॉन्ट्रोवर्सी प्लेसेस है वो भी एक तरह से दिक्कत करता है, जैसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश मस्ट बी एबॉलिश यानी जो टीचिंग इंग्लिश उसको पूरे सीरीज से ही खारिज कर दिया जाता है, इंग्लिश मस्ट बी टॉट एज अ कंपल्सरी सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को हमेशा पढ़ाया जाता है पर सेकेंड लैंग्वेज को कंपल्सरी मान के पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मस्ट बी टॉट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना चाहिए। नो स्पेसिफिक एम्स होते हैं यानी उसकी कोई स्पेसिफिक एम्स भी होते हैं जिसके कारण भी दिक्कत आता है। इसके अलावा जो है हमारा ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम, आउटडेटेड मेथड ऑफ इंग्लिश, लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर, लैक ऑफ सुटेबल टीचिंग एड, सब स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, ओवर क्राउडेड क्लास एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्सेस हिंदी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आया तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप ग्रुप।